तहसील थाना क्षेत्र से बाइक चुराने के मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी से पूछताछ की तो चोरी की गई बाइक के साथ साथ आरोपी के पास से दो अन्य चोरी के वाहन बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक तहसील थाना क्षेत्र के सेवा सदन चौक के पास में रहने वाले शिकायतकर्ता फिरोज अहमद खान ने तहसील थाने में अपनी पैशन गाड़ी क्रमांक MH49AV7978 के चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच में जब पुलिस जुटी तो उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का आरोपी सचिन परसराम पाडेकर ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शक के बिना पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया तो उसके पास से शिकायतकर्ता फिरोज अहमद खान की चोरी की गई पैशन गाड़ी प्राप्त हुई। इसी के साथ ही आरोपी के पास से एक एक्टिवा और स्कूटी ऐसे दो अन्य चोरी किए गए वाहन भी प्राप्त हुए। कुल मिलाकर आरोपी के पास से 1,00,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। संबंधित धाराओं के तहत आरोपी सचिन पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। हाँ बरोबर है। तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत सेवा सदन चौक इथून एक बाइक चोरीस गेली होती। त्या बाइकचा तपास करत असताना आम्हाला एक रेकॉर्डवर आरोपी मिळाला, सचिन पाडेकर हा इथला नाईक तला जवळ राहणार आहे। 5 फुटचा तिथला रेकॉर्डवर आरोपी आहे, त्याला ताब्यात घेतलं। त्याच्याकडनं आमच्या जो 605/2023 गुन्हा होता, या गुन्ह्यातली बाईक मिळाली। तसेच त्याच्याकडनं एक ॲक्टिवा आणि परत बाईक अशा 3 बाईक मिळाल्या आहेत। जवळपास 1,00,000 मुद्देमाल त्याच्याकडनं मिळाला आहे। तो दोन PCR होता आणि आता तो MCR मध्ये गेलेला आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।